किड्स कैंप में चल रहे हैं अप टू 50% डिस्काउंट ऑन किड्स वेयर, लेडीज वेयर और मैन वेयर पर। किड्स कैंप में टॉप ब्रांड मुफ्ती, स्पाइकर, रिवर ब्लू। किड्स कैंप मुंब्रा का पहला क्लॉथिंग मॉल है जहां मिले न्यू बॉर्न बेबी से लेकर सभी के जरूरत की चीजें 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। तो आज ही आए किड्स कैंप। महेश सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुंब्रा के संजय नगर इलाके में, जो हनुमान मंदिर है परिसर पड़ता है वहाँ पर हम मौजूद है। और यहाँ पर दो चोरों को जो है पकड़ा गया है और उन्हें यहाँ पर इन लोगों ने पकड़ा है, जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर इन लोगों ने पकड़ा है। और जो ऊपर का महलिया है वहाँ पर उन्हें जो है बंद करके रखा गया है। आखिर कहाँ पर वो चोरी कर रहे थे और इस इलाके में जिस तरह से लगातार चोरी की घटनाएँ सामने आ रही थी, लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा था। और आज शाम के वक्त जो है दो चोरों को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया है यहाँ पर मौजूद में। कब इन चोरों को आप लोगों ने पकड़ा है? ये कल एक दो बंदे लेकर आए थे, वो एक लड़की को चोर को, तो बोला कि उसी ने, वही चोर है, तो बोला कि मैं मशीन लेकर आता हूँ अभी थोड़ी देर में, वहाँ पे रखा है। अच्छा, तो चोरी कब हुई थी आपके यहाँ? चोरी 9 तारीख को रात को, तो मैं अंदर ही था, तो मैं काम करके 12:30 बजे तक काम किया मैं, और फिर अचानक से नींद लग गया तो सो गया। तो सुबह उठ के देखा तो मेरा लैपटॉप और मशीन चोरी हो गया था। तो हम लोग ने अमृत नगर पुलिस चौकी में जाके कंप्लेंट देने के लिए बोला, तो उन्होंने बोला कि नहीं वहाँ पे जाओ। तो वहाँ पे मुंब्रा पुलिस चौकी में गए कंप्लेंट देने के लिए, तो साहब ने एक अर्ज लिया और एक कंप्लेंट लेके दिया था। तब से बाकी वहाँ से तो कोई रिप्लाई नहीं आया। तो आज एक लड़का हमको चोरी करने वाला मिला, तो हम लोग उसको पुलिस चौकी में ले गया सुबह। आप लोग जो दोनों लड़कों को बंद करके कमरे में रखे हैं, तो आप लोग कैसे पता चला कि यही लोग चोरी किए थे? नहीं, हमारे साथ दो लड़के लाके दिए, बताया कि धीरे धीरे हिंट पड़ा था, बताया कि यही दो चोर नावेद और एक बंदे ने उस लड़के को पकड़ के लाया और बोला किसी ने चोरी, तो उसे पूछताछ किए तो बोला हाँ मैंने ही चोरी किया है, मैं लेकर आता हूँ अभी मशीन थोड़ा, तो लेकर नहीं आया। तो फिर आज हम लोग ने फिर उसका पता किए घर जाके उसके पास, तो घर पे मिला वो, तो उसको लेके पुलिस चौकी में गए मुंब्रा पुलिस। तो अभी आप लोग बंद करके क्यों रखे, पुलिस स्टेशन क्यों नहीं लेके? पुलिस स्टेशन गए तो वहाँ पे गए तो परदेसी सर है ना, क्या नाम, हाँ, तो वो बोले कि अभी काली, ये आपका केस काले साहब के अंडर में गया है, तो 9:30 बजे वो आएंगे नाइट शिफ्ट में, तो तब तक करो। तो हमने कहा तब इस चोर को कहाँ रखे, तो बोले कि अभी ये नशे में है तो इसको कहाँ ले जाके रखोगे, अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, रखो। तो अब हम इसके घर पे छोड़ना भी हमारे लिए रिस्क था कि अगर कहीं फिर भाग जाएगा फिर कहाँ ढूंढेंगे, तो तब से हम लोग ला के यहीं पे अपने रूम में बंद करके रखे हैं। तो पुलिस स्टेशन लेकर जाएंगे? हाँ हाँ, पुलिस स्टेशन 9:30 बजे ले जाएंगे। ये दुकान किसकी, आप ही की दुकान है? इसमें भी चोरी की घटना हुई थी? इसमें भी कभी मतलब कोई पैकेट उठा ले जाते हैं, कोई ऐसा ले जाता है, कभी पानी मांगने आते हैं, कभी ऐसे आता है। उसी में से एक वही भी था जो उसी ने चॉकलेट्स का भर जार वगैरह सब उठा ले गया था। क्या इस इलाके में इसी तरह से जो चोरी की घटनाएं होती हैं, कुछ नशा करने वाले लोग भी यहाँ आते हैं? हाँ, नशा करने वाले आते हैं यहाँ, खुलेआम गांजा सिगरेट पीते रहते हैं। हम लोग बोलते हैं, हमारे घर में बहन बेटियाँ हैं, बोलेंगे तो उल्टा बोलेंगे तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा हूँ, और धुआं उड़ाते रहते हैं, कुछ भी जो भी मन में आता है, जैसा भी माँ बहन की गाली आपस में ही करते रहते हैं। अभी आप लोग ही बताइए कि हम लोग घर में कैसे रहें, हमारी बहन बेटियां कैसे रहें घर में, उसका कुछ तो हल निकलना चाहिए। और हम लोग बोलेंगे यहाँ तो मारामारी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो पुलिस में कंप्लेंट वगैरह नहीं करते आप लोग? किसके पास जाएं करने के लिए, एक जन जाएंगे, चार जन नहीं जाएंगे, कोई बोलेगा कि तुम जाओ तुमको अकेले पड़ी है, तो अब हमारे घर में लड़कियाँ हैं तो हमको तो सोचना ही पड़ेगा ना, तो हम अपना दरवाज़ा बंद करके रखेंगे। अब इनके चोरी हुई तो इनको तकलीफ हुआ तो ये दौड़ रहे हैं बेचारे, अब जिनका 2.5-3 लाख का सामान गया वो तो दौड़ेगा ही ना, परेशान होगा ना। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो राजेश पटेल है, इनके जो घर में दो युवकों ने चोरी किए थे, हालांकि वो दोनों जो है अंडर एज जो है 17 साल उनकी उम्र है, और कमरे में अभी फिलहाल उन्हें बंद करके रखा गया। उनसे हम लोगों ने बात की है, वो भी आपको सुनाते हैं कि उन दोनों का क्या कहना है।
क्या किए थे आप लोग जो यहाँ के लोग आपको पकड़े? क्या हम लोग ने मतलब हम लोग यहाँ पे मतलब नशा करते, हम लोग छीलम विलम पीते आके यहाँ पे, मतलब मंदिर पे, मंदिर है वो, छीलम विलम पीते हम लोग यहाँ पे आके, तो हम लोग फुल नशे में थे, तो इधर पे आके मतलब लैपटॉप टॉप मतलब हम लोग दोनों ने लैपटॉप टॉप चोरी किए, बस। कहाँ पे चोरी किए? यही है घर। कितना दिन पहले किए थे ये? अभी तीन चार दिन हो गया। कौन कौन चोरी किया? नौ तारीख को हो गई। नौ तारीख को कौन कौन किया था? हम दोनों जन ने। अच्छा, ये दोनों लोग? हाँ, तीन बजे। क्या क्या लिया था यहाँ से? लैपटॉप और मशीन। अच्छा, बस। क्या किए हो? वो तोड़ दिए हम लोग दोनों ने। बेचे नहीं, तोड़ दिए? बेच दिए बंगार में। 30 रुपया, 30 रुपये में क्या हो, 30 रुपया 1.5 लाख की चीज। लैपटॉप भी तोड़ दिए। ऐसे ही करते हैं तुम? नहीं भाई, मेरे को मालूम भी नहीं था। मैं ये बाल काटने की दुकान है ना नीचे, वो सलून के पास खड़ा था, इसकी राह देख रहा था, एक किधर है। तो मेरे को क्या लगा वो बाथरूम में विन नंबर करता रहेगा, इसके लिए आ रहा है। तो ये बाद में कंप्यूटर ऐसा लेके आता है और उसके ऊपर कोई तो मशीन रहती है क्या, हरे कलर की जलती जो। कितनी बड़ी थी? इतनी बड़ी थी कुछ। वो मशीन लाया उसने, तो मैं उसको वैसे ही बोला तू क्या कर रहा, जा रख क्या जिधर से लाया उधर। तो ये मेरे को बोला, ये बोलता मेरे को कि मेरे को नहीं मालूम कि मैं नहीं रख सकता बोले। तो मैं इसको क्या बोला, तोड़ के फेंक दे क्या, ये बहुत खतरनाक चीज दिख रही है। तो हम लोग गए तोड़े वीडे वो सब चीज। तो बोला बेच दिया तो बोला? हाँ, तो वही तो तोड़ने के बाद बेच दिए, तोड़ दे मतलब हम लोग ने वो चीज। तो अभी जहाँ जो लोग पकड़े हैं इनके घर में तुमने चोरी की थी, पेट्रोल भी चोरी करते हो? कौन करता है? एक ही बार किया था भाई, वो भी इतना सा पेट्रोल पंप पे जाने के लिए गरज थी। हालांकि ये कोई चोरी की नई घटना नहीं है, इसी तरह से मुंब्रा के कई इलाके हैं जहां चोरी की घटनाएं जो है सरेआम होती हैं। कहीं दुकानों में ताला तोड़कर चोरी होता है, तो कहीं घर का ताला तोड़कर चोरी की घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन जिस तरह से ये संजय नगर का जो इलाका है, यहां पर जो दो चोरों को पकड़कर जो है पुलिस स्टेशन लेकर जाया गया था, लेकिन उनसे कहा गया है कि आप 9:30 बजे इन दोनों को लेकर आएँ, इस वजह से वो अभी दोनों चोरों को जो है अपने घर में बंद किए और 9:30 बजे रात के वक्त जो है वो दोबारा इन दोनों चोरों को पुलिस स्टेशन लेकर जाएंगे। बहरहाल अभी तक जो चोरी की घटना यहाँ पर हुई है, इन लोगों ने सिर्फ पुलिस स्टेशन में अर्जी दी थी, किसी भी तरह का कोई भी NC या FIR इस मामले में अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। कैमरामैन अनिल के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंब्रा।